शहर के माणक चौक पुलिस थाने के एक आरक्षक को अवैध शराब की तस्करी के मामले में नागदा पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने इसके एक साथी को भी पकड़ा। तस्करी में उपयोग लाई जा रही कार को भी जब्त कर लिया। बताया जाता है कि रतलाम एसपी ने उक्त आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नागदा पुलिस को सूचना मिली कि एक अल्टो कार में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इस कार को नागदा पुलिस ने खाचरोद नाके पर पकड़ा। पकड़ी गई कार क्रमांक MP43CA3980 में पुलिस को 40 पेटी शराब मिली। पुलिस ने शराब सहित कार जब्त कर कार में सवार रतलाम माणक चौक थाने में पदस्थ आरक्षक प्रवीण गर्ग और उसके साथी रवि टाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़ाए रतलाम के आरक्षक ने बताया कि वह झाबुआ से शराब लेकर नागदा में परिचित राजकुमार को देने आए थे। वह पूर्व में भी यह काम 2-3 बार कर चुके हैं। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने शराब तस्करी में पकड़ाए आरक्षक प्रवीण गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जावरा में एक किराना व्यापारी को मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली व्यापारी के पैर में लगी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तहकीकात के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस घटना को अवैध वसूली से जोड़कर माना जा रहा है। जावरा के कमानी गेट चौराहे पर यह घटना मंगलवार की शाम को घटित हुई। किराना व्यापारी हातिम ट्रेडर्स पर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक पहुंचे। एक युवक ने दुकान के काउंटर पर बैठे दुकान संचालक बोहरा बाखल निवासी हातिम अली पिता सज्जाद हुसैन बोहरा के पैरों में गोली मार दी। दोनों पैरों में गोली लगने के बाद व्यापारी लंगड़ाते हुए दुकान के अंदर की ओर भागा तो युवक ने तीसरा फायर भी किया, लेकिन व्यापारी बच गया। घटना के बाद दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से वापस भाग निकले। घटना के बाद व्यापारी को पड़ोसी दुकानदार इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पुलिस को सीसीटीवी में दोनों युवकों के हुलिये मिल गए। पुलिस दोनों बदमाशों की खोज में लगी। घायल दुकानदार के परिजनों का कहना था कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं, फिर इस तरह से घटना होना सकते में डालता है। मामला अवैध रूप से वसूली का हो सकता है। 2-3 दिन पूर्व व्यापारी को किसी ने फोन भी किया था, किंतु उसने ध्यान नहीं दिया। अरे सर, मैं तो घर पे था, कुछ काम चाय लेने घर पे गया था। वो कर्मचारी का फोन आया जगदीश भैया का, यार भैया भैया को कोई जल्दी आ जाओ। तो बोला उसने किसी ने क्या हो गया, मैं भागता हुआ इतना डब्बा के फोन आया क्या उसमें जल्दी आ जाओ, तो एकदम फुटी थी दुकान के ऊपर। मुझे तो कुछ समझ नहीं पड़ी मैं क्या ऐसी बोल तो सही नहीं, आप तो जल्दी आ जाओ। तो मैं गया तो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और भाई पूरा खून में लटपट। तो दो जने हमारे कर्मचारी और हमारे अब्बास भाई बीच में उन्होंने टोक के उनको बाहर ले जा रहे थे। और रिक्शा में बैठा तो मालूम पड़ा कि वो फिर बताया कर्मचारी कि हम तो बैठे हुए थे यहाँ, और कोई उबला पत्थर लड़का है, टी शर्ट पहनी थी काले कलर की कुछ, और स्प्लेंडर पर आया था, एक जना भर रहा था और एक उससे अंदर आके सीधी आते ही साथ ही फायर कर दिया करीब से। और उड़ के भगने लगा तो भाई जैसे उड़ के भगा तो एक ऊपर चढ़ने लगा सीढ़ी पर, एक फायर और करा तो फिर एक उसकी गोली जान में लगी। मतलब ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा मतलब इतने मुस्तैदी के बाद भी प्रशासन की इतनी मुस्तैदी बात की, मैं उसकी हिम्मत का आप देखो कि भर बाजार के अंदर मेन करमानी गेट जो कि बिल्कुल जावरा एकदम व्यस्तम एरिया है, उसके बाद भी वहाँ पर ऐसी घटना को जरूरत कर रहे हैं ऐसे अपराधी, तो बड़ा कुछ भी नहीं। हम तो सीधे लोग हैं और हम तो क्या है कि विवाद का तो काम ही नहीं, कोई भी विवाद होता था हाथों उसको निपटा देते, कोई हमारा कभी हॉबी होता छोटा मोटा चलता रहता है तू ले जा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये गोली पैर में हम दिखवा रहे हैं, अभी करते हैं सर्चिंग चालू हो चुकी है। बिल्कुल सर्चिंग है, पॉइंट लग चुके हैं, नाकाबंदी हो चुकी है। कहाँ की घटना है, व्यक्ति कौन? कमानी गेट की बात है। पैर में लगी गोली उनको। सीसीटीवी फुटेज आए हमारे पास, हम देख रहे हैं। बिल्कुल पता चलेगा। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब पकड़ी है। खबर के मुताबिक महू नीमच मार्ग स्थित फवारा चौक पर पुलिस ने शंका होने पर बाइक सवार को रोककर पूछताछ की तो बोरे में भरकर ले जा रही 6 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने बाइक सवार योगेंद्र महावर उर्फ जीतू निवासी लक्ष्मणपुरा तथा गोविंद सिंह सत्तावत निवासी सकवान नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब और बाइक भी जब्ती में ली है। स्टेशन रोड थाना सब इंस्पेक्टर विजय सागरिया ने एन टाइम्स को बताया। पकड़ा शराब के साथ
दिनांक 13/7/2020 की बात है। फवारा चौक पर हम लोग वाहन चेक कर रहे थे। चेकिंग के दौरान दो लड़के होंडा साइन मोटरसाइकिल पर बीच में एक बोरे के अंदर भर के कुछ संदेह वस्तु लेकर जा रहे थे। उनको रोक के चेक करने पर उसमें बोरे के अंदर भरी हुई 6 पेटी देसी प्लेन शराब मिली है। सभी पेटियों में क्वार्टर से भरे हुए थे, 50 क्वार्टर करीब, कुल जो है 300 क्वार्टर हैं। कुल शराब की मात्रा 54 लीटर और कीमत लगभग 24,000 के आसपास होगी, वो जब्त की गई है। दो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, योगेंद्र महावर जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था और मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर उस शराब के बोरे को पकड़े हुआ था, गोविंद सिंह सक्तावर। सर कहाँ से ला रहे थे शराब? ये इन लोगों ने बताया कि ग्राम घूगर है, वहाँ से लेकर आए हैं, झगुआ जिले का। तो क्या वो बना के लाते थे या कुछ? ये कच्ची देसी शराब है जो कि सॉरी कच्ची नहीं देसी शराब है। सर क्या व्यापार भी वो कहीं बेचने का काम करते थे? अभी पूछताछ की जा रही है आगे। बेपटरी होती जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी वजह से सिस्टम में ही खामियां नजर आने लगी है। अस्पताल की सेवाओं को आवश्यक और गंभीर माना गया है, लेकिन जिला चिकित्सालय में ही इमरजेंसी विद्युत कनेक्शन नहीं होना, लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए जनरेटर का शोपीस बने रहना अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता उजागर करती है। खामियां और लापरवाही के साथ चल रहे जिला अस्पताल भी कृत्रिम ऑक्सीजन पर है। सिर्फ प्रशासन के नाम पर मोटा वेतन लेना और खरीदी करना ही जिम्मेदारों का काम बचा है। बुधवार सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक यह अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा, कारण बिजली का नहीं होना था। लाइट नहीं होने से अस्पताल के विद्युत कनेक्शन वाले उपकरण बंद रहे, एक्सरे नहीं होने से मरीज इंतजार करते रहे, वहीं ईसीजी सहित अन्य जांचें भी नहीं हो सकी। गर्मी और उमस से आउटडोर और भर्ती मरीज परेशान रहे, बर्न मरीजों के सामने भी संकट रहा। अंधेरे में ही डॉक्टर मरीजों का उपचार करते रहे और ड्रेसिंग भी अंधेरे में करना पड़ी। लाइट नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मी ही व्यवस्था को नकारा बताकर कोसते रहे। अस्पताल में इमरजेंसी कनेक्शन नहीं होना, जनरेटर का बंद होना व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करता है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगे 21 दिनों में नहीं मानी गई तो कर्मचारी धरने पर बैठ जाएंगे, यह चेतावनी संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को दी है। बुधवार को मोर्चा के बैनर तले शासकीय कर्मचारियों ने कालिका माता मंदिर परिसर में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में जिले के कर्मचारियों के 8 सूत्रीय ज्वलन समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शनकारी 21 दिन बाद धरना आंदोलन शुरू कर देंगे। कर्मचारियों ने दूसरा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंप कर कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने तथा स्कूली शिक्षा विभाग की अव्यवहारिक योजनाओं को बंद करने की मांग की है। मंगलवार रात उत्कृष्ट स्कूल परिसर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन किसी और ने नहीं बल्कि यहां क्वारंटाइन किए मरीजों ने किया। दरअसल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों से परेशान होकर बालिका छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय में क्वारंटाइन किए गए रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उनके परिवार और संपर्क में आए लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन करते समय स्वास्थ्य विभाग के दल का अनुचित और बदतमीजी से व्यवहार करना जैसे हम अपराधी हो। 7 दिन के क्वारंटाइन को बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद भी डिस्चार्ज नहीं किया गया, जिससे कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के साथ रहने से कोरोना के होने से हम परेशान रहे। क्वारंटाइन करने के बाद स्वास्थ्य विभाग का कहना था कि आप में कोरोना के लक्षण 3 से 5 दिन में आएंगे तो आपकी जांच के लिए नमूने क्वारंटाइन करने के 3 से 5 दिन में लिए जाएंगे, पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बार बार सूचना और शिकायत करने के बाद 9वें दिन जांच के सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई।
प्रशासन अधिकारियों से शासन द्वारा हमें किस प्रकार का भोजन और किस समय पर कौन सा पोषण आहार दिया जाना है, इस संबंध में भी गाइडलाइन मांगी गई थी, वह भी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। क्वारंटाइन किए मरीजों ने मीडिया को बताया। मेरा नाम ललित कल्याण है, पता मेरा 12 हरमाला रोड फूल मंडी रतलाम का रहने वाला हूँ मैं। मुझे हरमाला रोड फूल मंडी से घर से लाए थे ये, मेरे पापा पॉजिटिव आए थे जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। मेरे पापा को गए हुए 3 दिन हो गए घर पर, और मुझे 5 तारीख के दिन लेकर आए थे ये लोग, बोल के लाए थे कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर घर भेज दिया जाएगा, और हमको अभी 10 दिन हो गए और आज 11वां दिन है मुझे, और अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। और अधिकारियों को भी बोलते हैं तो वो लोग अलग अलग तरह से टालते कि आप इसको बोलो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसको बोलो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और इनके बड़े अधिकारियों को भी कॉल किया जाता है तो ये लोग ठीक से सुविधाजनक जवाब नहीं देते हैं और एक दूसरे के ऊपर ढोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारे साथ किया गया है वैसा किसी और के साथ ना करें ये, क्योंकि ये जब अपने घर में से कोई पॉजिटिव आता है तो ये लोग ऐसे लेने के लिए आते हैं जैसे आप किसी अपराधी को लेने के लिए आ रहा है। गौशाला रतलाम से मुझे राजेंद्रनगर से तोक के लाए थे, बोला था 3 दिन के लिए रखेंगे और 3रे दिन आपको रिपोर्ट दे के छोड़ देंगे। अभी 9वें दिन में हमारा सैंपल हुआ है और अभी तक 4 दिन हो गए सैंपल लिए, क्यों अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है हमारी। और खाने में भी हमको सब्जी और रोटी बेकार आ रही है। और मुखर्जी नगर रतलाम, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं अकेला आई हूँ। मिसेज पॉजिटिव आई थी तो उनको 6 दिन में घर छोड़ दिया है, और नॉर्मल रिपोर्ट आई है उनकी, हमारे को 7 दिन का बोल के लाए थे, आज 12 दिन हो गए अभी तक नहीं छोड़ा है, 4 दिन हो गए रिपोर्ट ले जाने में, अभी तक कोई उसकी अता पता भी नहीं, और ही रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेज दें। शहर के सीवरेज लाइन डालने के लिए चल रही बेतरतीब खुदाई से सड़क पर आम नागरिकों का वाहन लेकर चलना दुर्भर हो गया है। खुदाई के बाद नियमों के मुताबिक गड्ढों को नहीं भरने से वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहे 2 बत्ती पर चल रही सीवरेज लाइन खुदाई में एक ऐसे ही गड्ढे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। सीमेंट की बोरियों से भरी इस ट्रैक्टर ट्रॉली को गड्ढे में से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 2 घंटे तक यह ट्रैक्टर ट्रॉली 2 बत्ती चौराहे पर गड्ढे में फंसी रही, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित रहा। जिम्मेदारों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। रुक गई है और एक महिला जा रही थी वो बच गई है, एकदम गड्ढे के अंदर उतर गया ये ट्रैक्टर। सीमेंट की बोरी भी गिरी पड़ी हुई है, हम रिक्शा वाले भी बच गए, यहाँ पे पलटी खाता ट्रैक्टर।